जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कहां से हमें करना चाहिए, कहां से नहीं करना चाहिए, इसको करने के बाद हमारा करियर किस तरीके से रहता है, जॉब हमें कहाँ पर मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तो पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपके बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर जितने भी क्वेश्चन क्वेरी हैं उन सबके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। करना क्या है आपको, वीडियो को अंत तक देखना है, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में इसकी फुल फॉर्म की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो साथियों इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, यानी कि बीएससी एजी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा ग्रेजुएट प्रोग्राम है। अब इससे आगे हम पॉइंट टू पॉइंट इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है कोर्स ड्यूरेशन, यानी कि ये कितने साल का कोर्स होता है। तो साथियों जो हमारा बीएससी एजी है ये हमारी जो इसकी ड्यूरेशन है, कोर्स ड्यूरेशन वो है हमारी 4 ईयर। कितने की है भाई हमारी, 4 ईयर, यानी कि 4 साल का हमारा ये डिग्री कोर्स है, जो कि किसके अंतर्गत आता है भाई, हमारा अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। क्लियर है आपको। चलिए इससे आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि हमारे लिए हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपना क्या किया हुआ हो, 12th पास हो आप, क्या हो, 12th पास हो, और 12th में आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपके पास PCB हो यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर आपके पास क्या हो, PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आपने क्या किया हुआ, 12th अपना एग्रीकल्चर से किया हुआ हो। 12th आप एग्रीकल्चर से भी यदि किए हुए हैं तो भी आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यानी कि यदि आपने 12th इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है, बच्चे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसके लिए क्या परसेंटेज का भी क्राइटेरिया है। जी बिल्कुल, इसके लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया है। इसमें आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए, मिनिमम परसेंटेज आपकी 45% होना अनिवार्य है, यानी कि 45% आपका होना अनिवार्य है। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है SC ST या कुछ और आपको कोई कोटा मिलता है तो उसमें फिर आपको जो भी गवर्नमेंट्स के या यूनिवर्सिटी के नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको फिर छूट मिल जाती है। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि आपको बीएससी में एडमिशन लेना है तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि इसका सिलेबस, कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है। तो साथियों इसके नाम से पता चल रहा है बीएससी एग्रीकल्चर, तो इसमें जो बीएससी एग्रीकल्चर में जो मेन जो पार्ट है वो किसका है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, और इसमें जो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी कि जो हमारी खेती है उसके बारे में सब सारी चीज़ें बताई जाती है कि फर्टिलाइजर कैसे बनते हैं और किस में कीटनाशक दवाई को यूज़ करने से क्या हमारी पैदावार बढ़ सकती है, घट सकती है, ये सब सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। तो इसका जो सिलेबस है ये सिलेबस रहता है, और जो हमारा एक कोर्स है सेमेस्टर मोड का कोर्स है, इसमें हमारा 4 साल का कोर्स है, तो कितने सेमेस्टर होंगे, 8 सेमेस्टर में इसकी पढ़ाई हमारी कराई जाती है। इसमें हमारे जो 8 सेमेस्टर में आपके हमारे प्रैक्टिकल भी होते हैं और हमारा थ्योरेटिकल पार्ट भी इंक्लूड है। तो क्लियर है आपका। तो ये होगी सिलेबस की बात। अब बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरियर आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। क्या, कैरियर आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, इसको करने के बाद में हमारा कैरियर किस तरीके से रहता है। लेकिन उससे पहले भी हम बात कर लेते हैं, बच्चे का बात आती है कि सर हमारा इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें यदि हमें एडमिशन लेना है तो हम किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो साथियों बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो उसमें इसमें मेरिट के बेस पर भी एडमिशन होता है और एंट्रेंस एग्जाम भी इसके लिए कराया जाता है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है इसमें मेरिट के बेस पे एडमिशन लेती हैं। जैसे हम यदि स्टेट गवर्नमेंट में बात करें तो जैसे हमारा एनसीआर में जो लगता है सीसीएस यूनिवर्सिटी लगती है, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन कराए जाते हैं वो मेरिट के बेस पर कराए जाते हैं। तो यदि आपको किसी भी कोर्स में या बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो हर साल सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि अपना गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती है वो अलग मिलती है, और सक्षम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलती है वो अलग मिलती है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उस
उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं है। तो यदि आप भी बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराइए। तो ये थी एडमिशन की बात कि जो हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी में मेरिट के बेस पर एडमिशन होते हैं या जो और काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं तो उसमें डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनमें ज्यादातर आपका एडमिशन जो होता है वो मेरिट के बेस पर कराया जाता है। अब बात करते हैं कैरियर आफ्टर बीएससी एजी, यानी कि इसको करने के बाद कैरियर किस तरीके से हमारा रहता है। तो साथियों, जब आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो इसको करने के बाद में आप पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं भाई, एमएससी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एमएससी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री कर सकते हैं। किसमें? एमएससी एजी, यानी कि एग्रीकल्चर में एमएससी कर सकते हैं। जब आपका एमएससी एग्रीकल्चर से आपका हो जाएगा, फिर आप उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं या आप उसके बाद में नेट का एग्जाम देके एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी वर्क कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप बीएससी एजी करने के बाद में एमएससी एजी कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आपको बीएससी के बाद जॉब करनी है तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला है आपका रिसर्च ऑफिसर, यानी कि आप नई नई चीजें किस तरीके के आज की डेट में पौधे या जो भी खेती में नई नई रिसर्च आप कर सकते हैं, यानी क्या बन सकते हैं आप, रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है भी आपका इसमें, इसके बाद में आप क्या बन सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। जो गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है उसकी मैं अभी बात कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट में क्या बन सकते हैं भाई, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं वो बन सकते हैं। नेक्स्ट है आप क्या बन सकते हैं, एज अ एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं भाई, एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर बन सकते हैं, जो उसमें बैंक में अलग से वैकेंसीज आती हैं और उनको जो फिल कर सकते हैं वो कौन कर सकते हैं, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से की हुई है या फिर एमएससी की हुई है एग्रीकल्चर से, उन वैकेंसीज को सिर्फ और सिर्फ वही फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद में ये तो हो गए हमारे गवर्नमेंट के ऑप्शन, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑप्शंस होते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जो क्या बनाती है, कीटनाशक दवाई बनाती हैं, जो भी चीजें बनाती हैं एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि खेती के लिए, जितनी भी गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं या गवर्नमेंट प्रोडक्ट बनाती है, तो उसमें भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं और उनको कौन फिल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ है। अब यदि हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप बहुत अच्छा खासा है। प्राइवेट में स्कोप बहुत अच्छा है, जैसे हम प्राइवेट में बात करें, चाहे वो आपका सुगर मिल है या फिर आपका जो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं, फर्टिलाइजर बन रहे हैं, जो भी चीजें बन रही हैं, तो उन सब में मैक्सिमम जो लोग काम करते हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर वाले करते हैं या जिन्होंने बीएससी बायोलॉजी से की हुई है, बायोटेक से की हुई है, तो वो काम करते हैं। लेकिन प्रायोरिटी वहां पर जो दी जाती है वो किसको दी जाती है, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से की हुई है। तो कैरियर काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी कैरियर काफी अच्छा है, गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं बहुत ज्यादा आती हैं, सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा इसमें रहता है। तो ये है इसका जो आपका इसमें करियर। अब यदि हम बात करें इसमें कि बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, तो साथियों यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोशिश ये करें कि आप अपना बीएससी एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही करें, यदि आपके पास ऑप्शन है। यदि फिर आपको ऑप्शन नहीं मिल पाता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता है, फिर तब आप जाइए प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर कराती हैं, तो आप कोशिश करिएगा वहीं से करें। प्राइवेट में बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जो क्या कराती हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कराती हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है किसी भी तरह का। लेकिन प्रायोरिटी आप दीजिएगा जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको बता दी हैं बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। यदि अभी भी आपको कोई और क्वेश्चन रह गया है बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर या फिर आपका किसी और कोर्स को लेकर, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चे कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो साथियों यदि हम फीस की बात करें तो फीस इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। यदि हम मिनिमम फीस की बात करें तो मिनिमम फीस इसकी वही 30,000 रुपये पर ईयर से लेकर, मैं यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजों की या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूं, तो इसकी जो मिनिमम फीस है वो आपकी 25,000 से 30,000 रुपए से लेकर और 60-70,000 रुपए तक रहती है पर ईयर की फीस। इससे ज्यादा फीस इसकी नहीं होती है। जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या यदि एक अपने आप में ब्रांड है तो वहां पर जो फिर फीस होती है वो लगभग 1,00,000 रुपए के आसपास होती है, इससे ज्यादा फीस नहीं होती है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।